हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैथ इंडिया आइडल दोस्तों डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म गदर पार्ट वन विच वाज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कि 22 साल में उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर अभी तक नहीं आई बॉलीवुड में उसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन वॉज माइंड ब्लोइंग सेकेंड वीक का कलेक्शन उससे भी ज़्यादा है वो ऐसी पिक्चर अभी तक नहीं आई है उतना भारी कलेक्शन और थर्ड वीक में भी उतना ही है वो आना नामुमकिन है दोस्तों नामुमकिन और 36 डे में उस पिक्चर ने कलेक्ट किया था वन करोड़ टेन लैक्स गदर वॉन की बात करो 2001 और उस वक्त टिकट रेट से दस रुपया बारह रुपया गेट इलेक्शन में भी अट्ठारह रुपये टिकट थी और छोटे छोटे शहरों में तो कुछ छः छः रुपये सात रुपये दस रुपये के अंदर टिकट्स रेट थे तो मैक्सिमम टिकट रेट इन रे, मुंबई वॉज हंड्रेड रुपीज़ माराणा मंदिर में और आज तो मल्टीप्लेक्स का जमाना है पाँच सौ छः सौ हज़ार तीन हज़ार तक टिकट रेट से तो बड़े बड़े क्रिटिक्स जो बोलते थे कि पठान जवान ने बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए तो वो लोग थर्टी सी से फूस हो गए गदर वन जो मल्टी बिना मल्टीप्लेक्स वन करोड़ टेन लैक्स का फुटफॉल जीरा था वो मतलब वन करोड़ टेन लैक्स का कलेक्शन हुआ था उस पिक्चर का वो कलेक्शन ना जवान कर पाई ना पठन कर पाई क्योंकि क्यों? क्यों? गदर टू ही नहीं कर पाई हालांकि गदर टू के तो बहुत कम शोज थे पठान और जवान वो सोलो रिलीज़ उनको ज़्यादा शोज और ज़्यादा सिनेमाज थे वो पठन जवान के हाथ भी सारे थिएटर्स है थे। लेकिन गदर टू के बहुत कम शोज थे और बहुत लिमिटेड स्क्रीन थे क्योंकि दो तीन पिक्चर और साथ में रिलीज हुई थी जब थर्टी डे में पहुंची तो जवान भी उस वक्त थी तो गदर वन ने थर्टी सिक्स डे में वन करोड़ टेन लैक्स का कलेक्शन किया गदर टू ने किया फिफ्टी फाइव लैक्स का किया बहुत कम थे उसके बाद पठान ने सेवेंटी सेवन का किया सेवनटी सेवन लैक्स का कलेक्शन किया और जवान जो इतने सारे सिनेमाघर में चल रही है उसके बावजूद भी सिर्फ 80 लैक्स का कलेक्शन किया लेस देन 80 लैक्स lakh, 80 लैक्स वगैरह कर लेते तो गदर और गदर टू पठान और जमाई तीनों फिल्में गदर वन से आगे नहीं जा पाई उतना धमाकेदार कलेक्शन करना इट्स नॉट अ जोक आप देखो गदर वन का फर्स्ट वीक का कलेक्शन देखो उससे ज़्यादा सेकेंड वीक का कलेक्शन है और थर्ड वीक का कलेक्शन भी उतना ही है तो ये कैसा कलेक्शन आने वाले बॉलीवुड में कोई नहीं कर पाएगा आई बैट का कितना भी बड़ी पिक्चर आ जाए वो कलेक्शन कोई नहीं कर पाएगा 22 साल के अंदर 36 डे में एक करोड़ कोई नहीं कर पाया तो मतलब सनी देवल सबका बाप ही है एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे मी गाइस आठ रुपया दस रुपये टिकट में अगर जो बंदा एक करोड़ कर सकता है एक करोड़ दस लाख कर सकता है लोग तीन सौ चार सौ हज़ार रुपये तीन हज़ार रुपये टिकट में वन करोड़ नहीं कर सकते तो जस्ट इमेजिन वॉट काइंड ऑफ फुटफॉल्स मिले रहेंगे उस पिक्चर को तो गदर वन स्टिल रिमेन्स द बिगेस्ट ब्लॉक बस्टर टिल डेट बाईस साल में अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं कर पाए तो गदर वन गदर टू जवान पठान सब का थर्टी सिक्स डे का कलेक्शन आप देख लीजिए जवान इस एटी लैक्स थर्टी सिक्स डे पठानी सेवेंटी सेवन लैक्स थर्टी सिक्स डे गदर टू कम सिनेमा है लेकिन फिफ्टी फाइव लैक्स है लेकिन गदर वन इज़ वन करोड़ टेन लैक्स का कलेक्शन डैट मेक्स सनी देवल द सबका बाप द बॉक्स ऑफिस का शहीन हालांकि बहुबली टू ने किया था वन करोड़ इट्स डब फिल्म उसके वो अलग ही पिक्चर है उनको हम काउंट नहीं करते सिर्फ बॉलीवुड की बात करते अब मुझे तो लगता नहीं थर्टी सिक्स में वन करोड़ आने वाली कोई पिक्चर कर पाई ऐसा लग नहीं रहा है लेट्स सी क्या होता है लेकिन टिल नाउ इन ट्वेंटी टू ईयर्स गदर वन बिकम्स And remains the biggest, biggest monster, progress. So, subscribe my channel. Subscribe my channel till then. i saying goodbye and God bless you all.